So what's up, everyone? Welcome back. So आज 24 नवंबर और हमको कॉलेज से जागी रोड की तरफ एक नर्सरी है, वहाँ पे एक फील्ड ट्रिप में हमको ले जा रहे हैं। कॉलेज में 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और अभी 8 बज चुके हैं लगभग। थोड़ा जल्दी जाते कॉलेज में, सर लोग कुछ बात करेंगे शायद। सो अभी हमारा गाड़ी आ चुका है इधर और हमारा दिवांकर भैया भी है इधर, कुलदीप बैठा हुआ है और अभिजीत मानो तो आगे अंदर ही बैठा हुआ है। पता नहीं 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, अभी 8:10 के हो चुका है। और दिवांकर तो जब भैया जी जागीरोड जागीरोड क्यों कर रहे तो इतना जल्दी आया तुम लोग? गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, हम निकल रहे आगे जी। बीच में फिलहाल के लिए रुके हुए इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए, है ना। सब लोग इधर आए, उधर से बस से कुछ कुछ उतार रहे हैं। अभी आराम से इधर चाय पी का, फिर आगे का चाय के बाद आज तो पूरा धमाल मचने वाला है, आप देखते रहिए ब्रो। आज तो होने वाला है बूम बम बूम। अभी सब लोग इधर चाय के लिए बैठे हैं, पृथ्वी केवल देवराज इंसांग इधर देवदी पे, उधर डिपांग करे ये बाकी का बॉटनी डिपार्टमेंट है। सब लोग इधर आराम से चाय पिएगा और फिर ये हम लोग का कॉलेज का चॉकलेटी बॉय देवोदी और ये है मिल्की बॉय साय मिल्की बॉय। तो अभी हम लोग चाय पीते हैं, फिर आगे का लोग आगे कंटिन्यू करेगा। और ये है हम लोग का क्यों नहीं कर रहे, ये हम लोग का वेलनट बॉय है, वेलनट बॉय। ये हम एक राज बताओ। हाँ, और ये हम लोग पुडिन पुडिन बताओ, एक राज बताओ बताओ बताओ। और वो कौन है? हाँ चलो बताओ बताओ। वो लंबा बाल वाला वो है माइकी 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 के नाम पे हम लोग को ब्रेड और चाय दिया है बस, और कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा क्या हम लोग को? तुम कितना ब्रेड खाएगा? अरे ये मैं पी रहा हूँ। पीजिए, और कोई पीएगा तो पूछ ले, नहीं पिएगा ना कोई? हाँ पृथ्वी, आर यू सैटिस्फाइड? बस नो, ही इज नेवर सैटिस्फाइड। व्हाट इज नेवर सैटिस्फाइड? कौन वाला? ये है हम लोग का एक किधर है, ये पीछे रहा डेफोडिल जो भी है। सर अपना एक्सप्रेशन एना का एनी टाइम क्यों कर रहे? अभी हम नर्सरी के अंदर घुस रहे हैं, सब लोग तो हैं सब लोग तो हर समय है लेकिन प्रीति हर टाइम में कैमरा में आता है, हर टाइम आपको ये फेस दिखेगा ही दिखेगा। मेरे को भी आना है। हाँ इसको भी किधर गया? हाँ ये तो खुद मतलब खुद चाहता है। हाँ प्रिया बाउल राइस खाने का मन करता है। तापरे मारा है सर। मुझे पसंद है ना। ये कारण है यार एक मतलब फाल थाइकास वैरायटी तो ग्राफ कोरी कोरी भरा है। सर ये तो हमें अनेक नेटिंग कोरा है। ये तो टर्मिनल एरियर वैरायटी है। নেটিং কৰি কৰি কেইবাডালো এটা এটা পইণ্টত ছডালকৈ গছ দি পেলাই সেইটো তেনেকৈ বনায় দাদা ভেলুৱে দিছে বুজি পাইছা না। এই গছডাল এতিয়া 55,000 এডাল গছৰ আৰু এইটো আমি এনেকৈ এটা ফ্ৰেম বনাই পেলাই এনেকৈ ছেপ দিছোঁ মাইক্ৰছেকেণ্ড পাতটো বেলে তলত কোনবিলাক দেখিছা না এই কোনবিলাক চাব লগা আছে
আর নরমাল সাইকাসটো তোমালোকে দেখিছা সাইকাস রিফ্লোটা বুলি যেটো কয় এইটো আর সেইটো এটা সাইকাসৰ ভেৰাইটি এটো মাইক্রো সাইকাস এটো তার কোটা বলবা এইটো তোমার ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন হয় আর সিডৰ পৰা হয় যাত সিড হয় মেল ফিমেল থাকে সিড বিলাকৰ পৰা প্রোপাগেট কৰা যায় এই গছডালৰ দাম 1.5 লাখ টকা 1.5 গতিকে তোমালোকে যদি হবি হিচাপে 200-300 যদি বনচাই বনাব ষ্টাৰ্ট কৰা তোমালে বুঢ়া হ'লে কিমান টকা পাবা গম নোপোৱাকে ইউ কেন কাল্টিভেট ইয়ৰ হবি এজ ৱেল এজ ইউ কেন আৰ্ণ চাম ৰামদেৱ আহি ইয়াত এনে বহে নেকি আমাৰ মানুহৰ খবৰে নাই ৰামদেৱে আহি ইয়াত স্বতন্ত্ৰ ৬০০ বিঘা মাতিলে কাৰণ আমি গেপ ৰাখো কাৰণে বেলেগ আহি সোমায় আমি গেপবিলাক মাৰিব লাগে কাম কৰি গতিকে পটপ্লেনবিলাক আৰু তাৰ উপৰি তোমাৰ এতিয়া আমাৰ কলৰ ভেৰাইটিবিলাক দেখিবা টিচু কালচাৰ এতিয়া মালভোগ কলৰ মই এইবাৰ 1000 মানে পুলি গুজৰাটত পঠাই দিছোঁ তাৰপৰা আমি এতিয়া টিচু কালচাৰ কৰি আনি ইয়াত বিক্ৰী কৰিম এইবিলাক মানে কি হয় ইয়াত স্পেচ কম লাগে একদম ইমানখিনি জেগাত তুমি ইয়াত এটা ইয়াত এটা ইয়াত এটা ইয়াত এটা মানে কম স্পেচত বেছিকৈ খেতি কৰিব পাৰা গতিকে সেই বস্তুবিলাক মানে ফাৰ্মাৰে চায় যে এক বিঘা মাটিত কিমানটা পুলি লগাব পাৰি কৰিব নি মানে কি কি কেনেকৈ মানে একচুৱেলি চোৱা আমি টপ চইলটো কিছু লওঁ 30% মান পথাৰৰ যিটো মাটি বা তোমালে পলস মাটি লগাব পাৰা 30% মান টপ চইল লওঁ 30% মান কম্পোজ লওঁ ভাৰ্মি কম্পোজ তাৰপিছত কিছু পৰিমাণে 20% মান কোকোপিট লওঁ আৰু 10% মান পাৰলাইট ভাৰ্মিকুলাইট এইবিলাক দিওঁ আৰু কিছু অলপ পৰিমাণৰ মানে পাৰ কেজি হিচাপত তোমাৰ 2 গ্ৰামমান আমি ফাংগিচাইড দিওঁ ফাংগিচাইডটো নিদিলে পুলিটো এতিয়া আমাৰ ইয়াত কোনো ইনফেকশ্যন নাই দেখিছানে ইনফেকশ্যন আছে নেকি ক'ৰবাত ক'তোতো এনেকৈ বাগৰি পৰা নাই পুলিটো বেমাৰ লাগে গতিকে দিছ ইজ মানে কি ডিউ টু দেট ফাংগিচাইড ফাংগিচাইডৰ কাৰণে আৰু অলপ ইনচেক্টিচাইড পানী দিওঁতে স্প্ৰে দিব লাগে আদাৰৱাইজ কি হয় আমি যে ৰেজ কৰিছোঁ যাতে পোকে যাতে টানি নিব নোৱাৰে পৰুৱাই নহ'লে এইবিলাক গুটিবিলাক পানী টানি লৈ যায় এনে অকণমান ইনচেক্টিচাইড আমি आप देख सकते हैं ये सब लेमन पाइन है डिफरेंट वैरायटी के अंदर आपको येलो रेड कलर सब का मिलेगा अंदर आए थे पर बाहर से इतना वो नर्सरी बड़ा नहीं दिखता पर जैसे हम अंदर आते हैं नर्सरी बहुत बड़ा है पूरा अभी हम ये 5 नंबर के ग्रीन हाउस पे है उधर और 5-6 बहुत सारे ग्रीन हाउस रखे हुए इधर येलो ब्लू येलो तो नौता दियो ब्लू तो एता दियो মানে য়েল্লো কালাৰটোৱে বেছি ইনচেক্ট মানে পেষ্টটো বেছিকৈ এট্ৰেক্ট কৰে আৰু ইয়াত আমি এটা ফেৰোমন ট্ৰেপ এটা ফেৰোমন এটা দি পেলাই এটা ষ্টিকাৰ এটা দিওঁ বুজি পাইছা নাই ষ্টিকাৰটোত আহি পেলাই যেতিয়া ইয়াত পোকটো পৰে কালাৰটোৱে এট্ৰেক্ট কৰে আৰু পোকটো আহি ইয়াত গ'লে ষ্টিক হৈ যায় গতিকে পোকটো আৰু ফলটো বা গছডালত এটা কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছা মানে য়েল্লোত যিবিলাক পোক দেখিবা ব্লুত সেইবিলাক নেদেখিবা ব্লুত আৰু বেলেগ তোমালোকে এবাৰ এনে ফটো মাৰিবা বুজি পাইছানে ব্লুত বেলেগ ই যাক এট্ৰেক্ট কৰিব সি তাক নকৰে আৰু ৰেডটো আমি ইউজ নকৰোঁ বিকজ ৰেড এট্ৰেক্ট দ্য ইউজফুল ইনচেক্ট লাইক হানি বি গতিকে আমি ৰেড ট্ৰেপটো নিদিওঁ গতিকে এনেকৈ দি পেলাই পেষ্টখিনিয়ে কণ্ট্ৰল কৰোঁ ফলত আমবিলাকত পোক নহয় सब जगह में येलो है ब्लू है उधर तो ये सब क्या करते हैं इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं ताकि प्लांट खराब ना हो इधर भी येलो लगा हुआ है अपना देवदी भाई तो है ये मजे कर रहा है इधर बोंडास दिसो हरोडगुरी हाटो बोरोन दिसो জিংক দিছোঁ মেগনেচিয়াম সালফেট দিছোঁ আৰু অলপ ফুৰাডন দিছোঁ ফুৰাডনটোৱে গছডালত ষ্টেম বৰ্ডাৰটোৰ পৰা বচাই দিব বৰণটো আমি এইকাৰণে দিওঁ ইট প্ৰিভেণ্টছ ইমেচিয়'ৰ ফলিং ধৰা ফলটো লাগিল ফলটো মেচিয়'ৰ হোৱাৰ আগতে সৰি যায় এই বৰণ যদি দিওঁ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট যাখন খুবেই ভাল গতিকে দিছ ইজ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট বৰণ তার উপরে অল্প গুন্ধাইছে নয় হাড়ৰ গুড়ি লাগিছে বন্ডাস 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 তো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম আইট করে ওকে
আৰু আমাৰ মাটিটো ইমান ভাল নহয় এবিলাক ৰঙা ফিল কৰা মাটি সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকে সাৰবিলাক আমি মানে কলম মানে এইটো মানে ৰাইট টাইম মেনুৱেৰ দিয়া সাৰ देख सकते हैं ये सब पृथ्वी ने किया है, नीचे उतर गया था वो बेचारा, सब कुछ पृथ्वी ने किया है। इधर पृथ्वी नीचे क्यों उतर था तुम? यहाँ पे हाथी भी आते कभी कभी, ये सब हाथी के पैरों के निशान है जो भी है ना। पृथ्वी दीपांकर ने किया, तूने किया नहीं ये सब? दीपांकर क्यों किया तूने ये सब? बेचारा है। हम अभी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थक चुका है बहुत गर्मी में घूम घूम के। इधर हमारा देवराज भाई फोटो ले रहे हैं। अरे भाई तुम हमारे फिफ्थ सेम के बॉडी डिपार्टमेंट के लड़के लोग इधर अभी फोटो खींच रहा है। यहाँ पे कार्निवल रेड मैराथन न्यू क्वीन अलग अलग तरीके के प्लान्स है। अपना बिजनेसमैन तो सर के पीछे गया। दीपांकर व्हाई आर यू लेफ्ट अलोन ब्रो, कम फोटो। ओके ओके, क्या सोचा नहीं जानते मेरे को बोलते रुको रुको मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं अभी कुछ। यहाँ पे बहुत तरीके बोनसाई ट्री है, ये वाला स्पेशली 50 इयर्स का है, बहुत लंबा है। सर ने इसका प्राइस लगभग 6 लाख का बताया। और इधर अलग अलग तरीके के बोनसाई ट्रीज है जिसका एज स्पेन एटलीस्ट 20 से 30 इयर्स है। इसका कितना बोला था? 3 लाख। इसका 3 लाख बोला था शायद। और बाकी इधर सब छोटे छोटे पेड़ है। पर बोनसाई कितना होता है? पर बोनसाई 2.5 लाख या 3 लाख ऐसा बोला था। एंड दिस इज बेसिकली द टब सेक्शन, जहाँ पे जितने भी टब बनाए जाते हैं सब इधर ही रखा जाता है। यहाँ पे सर ने करीब एक शेल्फ के नाम पे 2 से 3 लाख इन्वेस्ट किया, तभी वो इतना अलग अलग से 10 लाख इधर भी आपको जो जो भी चॉइस का पॉट चाहिए होगा मिल जाएगा सर ने। वीडियो करेक्शन पूरा रैक मिला के 10 लाख हुआ। एक रैक का करीब 20 से 30 हज़ार का खर्च पड़ा था। सर लोग अभी आए नहीं है। सर व्हाई दिस सैड एक्सप्रेशन? यहाँ पे अलग अलग तरीके के बोनसाई है और सबसे पुराना बोनसाई तो सर के पास यहाँ पे रखा हुआ है 70 इयर्स। ये है फिकस बोनसाई जिसका एज स्पैन अभी लगभग 70 इयर्स का हो चुका है। सर ने इसका प्राइस लगभग कितना बताया सर ने प्राइस? 15 लाख। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी 15 लाख पक्का? 17 ऐसा बोला था। सुना ली इसे कितना बोला था प्राइस? 1000 में रिलैक्स में था। 67 लाख सर ने बताया हमको। एग्जैक्टली पता नहीं है। 67 लाख। 67 की 67 हट 6 लाख हो सके। 6 लाख टू 7 लाख शायद हमको अच्छे से याद नहीं है, सर को पूछना पड़ेगा। दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्पेशल ट्री जिसका बस रूट यहाँ पे लगा हुआ है, पर जितने भी इससे ऊपर से रूट निकले वो सब साइड साइड में वो लोग ले लिया है। और इतना अच्छा सुंदर प्लांट आपको देखने को मिला है। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफ्टिंग, अगर किसी में इंटरेस्ट है तो आप घर में भी कर सकते हैं। बस हमको नहीं पता क्या करता है अभी यार। पे और 2-3 ऐसे hey, Jen, what is the name of this tree? इसका नाम क्या था पेड़ का? दिखने में बहुत अच्छा है इंसान की तरह। हमने बनाया। तुमने बनाया ना? हाँ। इधर काम करने के लिए इंसान तुमको कितना मिलता है महीने का तनख्वाह? इधर मौसम का गार्डन हम लोग अभी देख चुके हैं, अभी थोड़ा टाइम ऐसे ही घूम रहे इधर उधर, उसके बाद खाने के लिए जाएगा। ये बचा कुचा गार्डन ये सब है। इतना शर्ट बड़ा है मेरा। ये लेमन है, लेमन या फिर ऑरेंज? आके मारा बोले मारने वाले, इसका रेपुटेशन गिर गया। चलो ना ब्रो। तो अभी हमारे ग्लास के 3 लड़कियां फोटो शूट करते हुए इधर, द कैमरामैन बिहाइंड दिस इंसान नागा में क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है इधर? क्या कर रहे तुम लोग? लड़का खत्म हो चुका है। अभी ये डिपार्टमेंट के हमारे फिफ्थ सेम के जितने भी लड़कियां चिपक चिपक के पेड़ के साथ एकदम फोटो खींचते हुए स्टार्टिंग से, पता नहीं कौन क्या हमको पीछे से नहीं पहचानते। हम लोग का फील्ड ट्रिप यहाँ पे अभी खत्म हो चुका है। हम अभी गाड़ी में बैठेगा फिर आगे जाके लंच करेगा ना। केवल भूख लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है। सर लोग पता है बोला कि चिकन खिलाएगा। चल देख चिकन। अरे रुको, अरे आज 21 नवंबर और हम लोग इधर घूमने आए थे।